हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर योर लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ड्यू रिकॉर्डर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने हमको कमेंट किया कि सर ड्यू रिकॉर्डर का लिंक दीजिए, और नहीं तो कैसे डाउनलोड करेंगे, और वो भी विदाउट वाटरमार्क का, यानी कि कोई भी उसका लोगो नहीं रहेगा, विदाउट वाटरमार्क का आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोग के लिए विनोद है को लेके आता हूँ। चलिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल ओपन करना होगा। जैसे गूगल आप ओपन किए, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा डी यू रिकॉर्डर मोड एपीके। जैसे आप लिखते हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इसमें आपको क्या करना है मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले दिखना, अगर लाइव स्ट्रीम आप करना चाहते हैं तो इसको लेना होगा। आपको क्या बोलना है, डी यू रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो एडिटर लाइव मोड एपीके 2.1.3.5, इसको आपको लेना होगा। अगर आप लाइव नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप चलाना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर वाला आप ले सकते हैं। तो लाइव चलाना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए कि हम लाइव के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप चलाइएगा, पूरी सेटिंग्स के बारे में मैं बता दूंगा। तो चलिए, इसको जैसे क्लिक किए उसके बाद आपको इस तरह को देखने को मिलेंगे। इसमें डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो गया कंप्लीट। तो चलिए, मेरा डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, और मैं दिखा देता हूँ कि उसके बाद क्या क्या सेटिंग्स है और क्या करना होगा, मैं पूरी जानकारी मैं बता दूंगा जैसे कि मैंने बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड किया और यहाँ पे आ गया। चलिए दिखा देते हैं, डी यू रिकॉर्डर को जैसे हम ओपन करेंगे उसमें कुछ बहुत सारे फंक्शन भी होता है, उसका सेटिंग्स भी होता है। चलिए उस सेटिंग्स के बारे में बता दूंगा। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसका डायरेक्ट लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर गूगल से आपका दिक्कत होता हो तो। और आपको बताएं कि सेटिंग्स क्या क्या है, चलिए हम सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं। अगर आपको स्क्रीन शॉट मारना होगा तो स्क्रीन शॉट, यानी कि ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो स्क्रीन शॉट हो गया, जैसे कि अभी हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो कैमरा है, उसके बाद कैमरा फ्रेम है, उसके बाद गिफ्ट रिकॉर्डर है, यानी कि फोटो जैसे रिकॉर्डिंग होता है उस तरह का। अगर वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए, और नहीं तो अगर बंद रहेगा तो वाटरमार्क नहीं होगा। चलिए हम दूसरा फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर लाइव स्ट्रीम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ वीडियो का, जो कि डी यू रिकॉर्डर से लाइव कैसे करते हैं पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने बताया। चलिए इस सेटिंग्स के बारे में कुछ बता देते हैं। यह हो गया वीडियो एडिटर। जैसे कि अब वीडियो को कोई जहाँ से कटना है, कुछ करना है, बहुत सारे बात हो जाती है कि कुछ मिस्टेक्स हो गया, तो इस पर आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया, चलिए चिन्ह ला के दे, इसमें वीडियो एडिट हो जाएगा, एंड वीडियो एडिट लिखा हुआ है। उसके बाद मैरिज वीडियो एंड इमेज, उसको आप जोड़ सकते हैं वीडियो और इमेज को एक साथ। उसके बाद हो गया वीडियो कॉर्पोरेशन, और बहुत सारे इसमें ये है। उसके बाद हम सेटिंग्स के बारे में अगर बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका जो वीडियो रेजोल्यूशन होगा वो 1080p सबसे बेटर होता है, जो कि HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग होता है। उसके बाद वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, कि 12 MBPS यानी कि मेगापिक्सल होता है, तो इसमें 12 रखिए सबसे आसान, यानी कि ज़्यादा होगा, हाई रेजोल्यूशन में होता है। उसके बाद FPS में ऑटो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद इसमें और फीचर्स हैं, लेकिन उतना ही करके रखिएगा, ऑटो करके रखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए और दूसरा फीचर्स के बारे में बताते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो, यानी कि जो आप बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो इसमें ये बात मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको अगर रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो इसको आप बंद कर सकते हैं, जहाँ से आपका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, सिर्फ आपका स्क्रीन, यानी कि बाहर का कोई नॉइज़ नहीं आएगा, सिर्फ आपका स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद अगर बात करें वीडियो लोकेशन का, आप कहाँ से वीडियो बना रहे हैं, अगर लोकेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, इस वाले आइकन से यहाँ से आप लोकेशन को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो लोकेशन ऑन करना कोई ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद रिकॉर्ड मोड अगर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड है और बेसिक है, तो आपको बेसिक करना नहीं है, स्टैंडर्ड, यानी कि पावरफुल रिकॉर्डमेंट फॉर द मोस्ट डिवाइस, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग होगा। चलिए फिर दूसरी फीचर्स की बात अगर करें, हाइड द रिकॉर्डर विंडो विन द रिकॉर्डर, यानी कि जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका
जो नोटिफिकेशन जैसे हम क्लिक किए थे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आप लोग को, तो ये वाला नहीं दिखेगा अगर उसको ऑफ कर दीजिएगा तो चलिए इसको रखना भी जरूरी होता है कि अब कभी मिस्टेक हुआ यानी कि कोई बाहर से आपको बुला रहा है या कुछ, तो आप उसको बंद करके तुरंत जा सकते हैं, नहीं तो ऊपर से खींच के जैसे अभी ऊपर से खींचे उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से नहीं करेंगे, वहाँ से आसानी से होगा। उसके बाद ये हो गया काउंट डाउन, यानी कि कितना सेकंड में आप लगाना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने वीडियो चालू कर दिया उसके बाद कितना सेकंड के बाद मेरा वीडियो स्टार्ट होगा, यानी कि 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड। तो मैंने 3 सेकंड करके रखा है, ऑटोमेटिकली 3 सेकंड में चालू हो जाएगा। अगर चालू पहले शुरू से करना चाहते हैं नो काउंट डाउन, यानी कि कोई मिनट नहीं, कोई सेकंड नहीं, डायरेक्ट चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड द रिकॉर्डिंग बटन ऑन द होम पेज, यानी कि रिकॉर्डिंग बटन को हाइड कर सकते हैं, यानी कि होम पेज से नहीं दिखेगा, जो मैंने पहले ही बात कर चुका है इसके बारे में। कीप रिकॉर्डिंग विन द स्क्रीन ऑफ, यानी कि स्क्रीन बंद होने के बाद अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसको ऑफ इन करना होगा, स्क्रीन बंद हो जाएगा तो पर भी आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होते रहेगा। उसके बाद अगर बात करें पॉज रिकॉर्डिंग फ्रॉम इनकमिंग कॉल, अगर रिकॉर्डिंग को बंद करना चाहते हैं इनकमिंग कॉल आने के पश्चात ही, तो इसको क्या करना होगा, एनेबल कर देना होगा कि आपका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे हम बात करते हैं इसके फीचर्स के में, तो हम बता ही दे चुके हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे भर्सन, जैसे हम आपको बताए थे कि 2.1 5.1, यानी कि ये हम बता चुके थे आपको, तो वही वाला मैंने इंस्टॉल किया है और आप लोग के पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स होगा, कॉमेंट सेक्शन होगा, उस पर जाके आप लिख सकते हैं, जो आपका दिक्कत होगा हम उसके लिए तुरंत वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।